हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं तनुजा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी शेयर करूंगी। यह है नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू हमें पूजा पाठ में और वैसे भी बनाने में बड़े सिंपल ही हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं लगता है, आराम से। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है और उसमें आधा लीटर दूध डाल लिया है। तो दूध के लिए सबसे पहले बॉयल होने तक गर्म करेंगे, उसके बाद इसमें एक कटोरी नारियल। सारा मेजरमेंट मेरा कटोरी से ही रहेगा, तो इसमें सबसे पहले एक कटोरी नारियल, फिर इसमें एक कटोरी चीनी मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको हिलाते हुए चलाते रहेंगे जिससे नारियल हमारा नीचे लगे ना, और अगर नारियल नीचे लग जाएगा तो उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए इसको चलाते हुए ही गरम करना है हमको और इसको बॉईल करना है। अब हम इसमें एक कटोरी मिल्क पाउडर मिला लेंगे यहाँ पे और बहुत अच्छे से इसको चलाएंगे जिससे लम्स ना पड़े मिल्क पाउडर में। मिल्क पाउडर से दोस्तों बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसमें एकदम खोए जैसा टेस्ट आने लगता है इसमें। तो इसको हिलाते हुए लगातार चलाएंगे। ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है नारियल के लड्डू की। इसको हम पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं और जब हमारा वैसे ही मन करता है कुछ खाने के लिए तो हम ये नारियल के लड्डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मेरे हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। लगभग इसको बनाने में 10 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह लगातार चलाते हुए हम इसको बनाएंगे, इसका एक मावा जैसा तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने एक चम्मच भर के फुल इसमें, एक टेबल स्पून फुल भर के इसमें गाय का देसी घी डाला है। गाय का देसी घी ऑप्शनल है, लेकिन गाय का घी डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और लड्डू हमारे बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। तो देखिए, डो हमारा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है और हम इसको लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता है। चलाएंगे लगातार पकाते हुए। देखिए गाढ़ा होने लगा है और इसको इसमें बॉयल भी अच्छे से आ रहा है और बबल्स पड़ रहे हैं। तो लगातार चलाते हुए इसको पकाना है हमारे लिए जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। इसमें थोड़ा सा पाउडर मैंने और डाला है, मिल्क पाउडर आधा कटोरी। तो अब इसमें लगभग 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर डाला है, 1 कटोरी नारियल है और 1 कटोरी चीनी है, आधा लीटर दूध है, ये इसका मेजरमेंट है। तो इस तरह से हम इसे लगातार पकाते हुए चलाते रहेंगे और इसको खोए जैसा बना के तैयार कर लेंगे। देखिए ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, तो हम यहाँ पे मीडियम स्लो गैस कर लेंगे। मीडियम स्लो गैस पे लगातार हिलाते हुए इसको चलाना है। अभी थोड़ा गाढ़ा होने लगा है तो हमें और इसको जल्दी जल्दी चलाना है। चारों तरफ से जो लग गया है इसको हटा लेंगे और देखिए अभी धीरे धीरे बन के तैयार होने वाला है और ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। जब ये कढ़ाई को छोड़ देगा तो समझ लीजिए बन के तैयार हो गया। तो इस स्टेज पर हम थोड़ी गैस को स्लो कर देंगे और स्लो गैस पर भी इसको लगातार चलाते हुए पकाते रहना है। जल्दी जल्दी चलाना है। अब देखिए जल्दी जल्दी चल के इसने कढ़ाई को छोड़ दी है और ये इकट्ठा सा होने लगा है, तो ये मावे की शक्ल में आ जाएगा, जैसा हम मार्केट से मावा मंगाते हैं उस शक्ल का रह जाएगा ये।
अभी हमें इस स्टेज पर इसको और लगातार चलाते रहना है। अब तो और जल्दी जल्दी चलाना है जिससे कि लग ना जाए कढ़ाई में। अगर बाय चांस लग जाता है तो इसका टेस्ट बहुत कड़वा आता है उस जगह पे, तो इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाते रहना है। तो अब ये तैयार हो गया है, तो इस स्टेज पर जो है गैस को स्लो ही रखना है और अभी थोड़ी देर और हिलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है और हम चलाना बंद कर देंगे तो ये लग सकता है नीचे। तो इसको लगातार चलाते हुए देखिए, अब अच्छे से कढ़ाई को छोड़ दिया है मावे ने और हम जो है अभी इस स्टेज पर इसका गैस को अब हम बंद कर देंगे। और गैस को बंद कर दिया है तो हम एक डोंगे में इस डॉग के लिए निकाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो देखिए अब ये थोड़ा ठंडा हो रहा है। अभी चम्मच से हम इसको हिलाते रहेंगे, अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा टच करके देखूंगी। नहीं, अभी ये हाथ से नहीं छुआ जा रहा है, अभी गर्म है, तो इसको मैं एक दो बार चम्मच से और ठंडा होने के लिए रखूंगी। बहुत ठंडा नहीं, लेकिन थोड़ा ऐसा हो जाना चाहिए डो जो हाथ से हमें पकड़ में आ सके। तो अभी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो यहाँ पर मैं आपको लड्डू बना के दिखाऊंगी। लड्डू मैं मीडियम साइज का बनाऊंगी, आप चाहें तो थोड़े और छोटे या थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। तो ये मैंने नारियल का बुरादा, इसको भी मैंने घर पे तैयार किया है, तो इसको इसमें लपेट देना है। ये बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है, इसलिए अगर ये तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो आप मत लपेटिए इसमें, खाली वैसे ही लड्डू बना लीजिए। लेकिन ये इसमें लपेटने के बाद देखिए बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। देखिए तैयार हो गया, एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह से गोल बनाना है हमें और उसके बाद इसमें नारियल के बुरादे में लपेट के इसको तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरे सारे लड्डू तैयार हो गए हैं और आप भी इनको घर पे ट्राई कीजिए और सारे फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली, जय माता दी। और अगर मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।